नमस्कार दोस्तों, ये देखिए दवा छिड़कने वाला चार्जर है दोस्तों, जो 7 AH का बैटरी होता है उसको चार्ज करने के काम आता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स देखिए ये वाला, हम इसको रिपेयर कर चुके हैं, इसका वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं दोस्तों। देखिए हमारा प्रोडक्ट ऑन है, तो फ्रेंड्स इसका वीडियो आपको हमारे यूट्यूब पर मिल जाएगा चैनल पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक पेच लगा हुआ रहता है, फटाक से यहाँ से खोल देंगे आप, और इसमें यहाँ पर देखिए लॉक लगा हुआ रहता है, तो इसको प्रेस करके हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए इसमें साफ साफ दिख रहा है क्या क्या फॉल्ट आ रहा है। देखिए सबसे पहले देखिए ये देखिए हमारा कैपेसिटर फट गया है दोस्तों, और ये हमारा देखिए ये 13007 ट्रांजिस्टर दोस्तों, देखिए यह भी फट चुका है। तो सबसे पहले फटाफट हम इसको और इसको चेंज करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर देखिए 2 ये डायोड भी लगे हुए हैं, इसको भी हम चेक कर लेंगे तुरंत ही। यही 3 प्रोडक्ट दोस्तों जो कंपोनेंट है ज़्यादा इसमें ख़राब होते हैं, तो फटाफट इसको हम भी चेक कर लेते हैं अभी। तो फ्रेंड्स देखिए ये भी बीप मार रहा है, और ये भी, यानी फ्रेंड्स देखिए ये दोनों डायोड को हमको निकालना पड़ेगा, और ये कैपेसिटर और ये ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो फटाफट दोस्तों इसको हम देखिए निकालेंगे, और इसका डायरेक्शन देखते हुए दोस्तों सेम डायरेक्शन हमको कंपोनेंट को लगाना रहता है। तो इसको हम आपके सामने देखिए फटाफट लगा के और आपको दिखाते हैं कि ये हमारा ऑन होता है या नहीं चार्जर। तो फ्रेंड्स ये हमने डायोड निकाल दिया है, तो इसको लगा भी देते हैं। देखिए ये जो कैपेसिटर है इसके सहायता से भी देख के आप लगा सकते हैं इसको, प्लस माइनस, यहाँ देखिए माइनस है, तो इस लेग पे दोस्तों ये ब्लैक वाला पिन जाएगा। तो इस तरह के से दोस्तों हम इसको यहाँ पे ये देखिए हमने इसके लगा दिया है। अब ये वाला जाएगा दोस्तों कैपेसिटर के प्लस वाले टर्मिनल पे, और ये भी देखिए हम इसको इन कर दिए। अब इसको दोस्तों अच्छे से सोल्ड करना रह गया है। तो फ्रेंड्स एक सर्किट भी देखिए उड़ी हुई है, तो उसको भी हमको ठीक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो डायोड था लग चुका है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा एक सर्किट भी उड़ा हुआ है, ये वाला पिन, तो इसके ही डायोड के लेग से ही दोस्तों हम यहाँ पे इसको सप्लाई दे देंगे, ठीक है। ये हो गया, और इसको दोस्तों अच्छे से आप क्लीन कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखिए इसको चेंज करेंगे कैपेसिटर को, और फिर इसके बाद हम चेंज करेंगे ट्रांजिस्टर। दोस्तों ये 450 वोल्ट का देखिए 47 माइक्रोफैरड, कोई भी इसमें आप 450 वोल्ट में लगा सकते हैं, आराम से काम करेगा। तो ये देखिए डी डी फ्री डिश सप्लाई का दोस्तों, कैपेसिटर हमने इसको देखिए निकाल लिया है, अब इसी को इसमें हम लगा देंगे। यहाँ पे देखिए बना हुआ है माइनस प्लस कर का आइकन, और ये देखिए हम इसको हल्का सा हीट करके बस पीछे से दोस्तों प्रेस कर देते हैं, और ये आसानी से हमारा इसमें लग जाता है।
और ये दोस्तों जो सर्किट हमारी उड़ी हुई है इसको अच्छे से सोल्ड कर देंगे कहीं पे और टच ना हो, यह देखते हुए कि कहीं और टच ना हो। इसको हम देखिए सोल्ड कर दिए, और इसका क्लीनिंग भी दोस्तों आपको बाद में कर लेना है लाइट में लगाने से पहले। अब देखते हैं हम इसको ट्रांजिस्टर को। तो फ्रेंड्स ये स्क्रू ड्राइवर से हम इसको ओपन कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। और इसको हमको देखिए यहाँ बाहर निकाल कर, और इसकी तीनें जो तीन लेग हैं दोस्तों इसको एक साथ हमको हीट करना पड़ता है। देखिए इस तरीके से हीट करेंगे और ये बाहर आ जाता है। देखिए एकदम आसानी से यह बाहर आ गया। और इसके होल को दोस्तों भी हम इस तरीके से देखिए होल को भी हम ओपन कर लेते हैं। देखिए तो फ्रेंड्स इस तरीके से आसानी से हम लगा सकते हैं। और यह है दोस्तों हमारा ये नया ट्रांजिस्टर, इसको हम सबसे पहले इसमें टाइट करेंगे। और पूरा टाइट नहीं करेंगे दोस्तों, इसको यहाँ पे सोल्ड करने के बाद तब टाइट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए अच्छे तरीके से बैठ गया है। अब इसके तीनों लेग को हम सोल्ड करेंगे। तो एक लेग हमारा हो गया सोल्ड, थोड़ा सा हमारा शोल्डर हो गया है गंदा। तो फ्रेंड इसको इस तरीके से साफ करके हम दोबारा काम को चालू करते हैं। कार्बन आने से दोस्तों शोल्डर पे यह सही से कांटेक्ट में नहीं आता पीसीबी के, तो सही से रंगा पिघलता नहीं दोस्तों, इसलिए सोल्डिंग भी सही से नहीं होती है। इसलिए हमको उसकी सफाई पे बराबर ध्यान देना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों ये हम इसी तरीके से आप भी लगा के रिपेयर कर सकते हैं। और हमने इसको देखिए लगा लिया है। अब आपको चेक करके दिखाएंगे कि हमारा ऑन हुआ कि नहीं। तो ये दोस्तों हमारा सीजला बोर्ड है, इसमें लगाएंगे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पे ये इंडिकेटर हमारा दिख रहे हैं ऑन हो गया है, यानी हमारा ये जो चार्जर है एकदम ओके वर्क करने लगा दोस्तों। और इसको अच्छे से क्लीन करके दोस्तों आप पैक करके दे सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।